एवरीवन, वेलकम बैक टू जूनियर्स वर्ल्ड। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वैलेंटाइन डे, तो आप सभी को जो है वो वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो ये हमारा व्लॉग है, ये है शॉपिंग हॉल व्लॉग। तो जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें हम गए थे मॉल, अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल पर जाके देख लें। फाइनली एक हफ्ते बाद जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये पिछले संडे को जो है शॉपिंग हो गई थी और आज जो है मंडे हो गया, हाँ 1 वीक से ज़्यादा हो गया। तो आज जो है मंडे को जो है मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी ये ऑफलाइन शॉपिंग है, ये सारी हमने जो है इस बार मॉल से ही की है। तो मार्केट घूमने का हमें उतना टाइम नहीं मिला, हम सिर्फ जो है एक मॉल में गए, फिर दूसरे मॉल में गए और फिर घर आ गए। तो बस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मैं करती हूँ सबसे पहले जीन्स से। तो ये बच्चों की जीन्स हैं, 6 to 7 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स। तो ये हमने ली है, ये मैक्स की है। तो ये मैंने मैक्स का जो स्टोर है वहाँ से ली है। साइज जो है वो 7 to 8 लिया है मैंने अपने छोटे बेटे के हिसाब से। तो ये है स्लिम एडजस्टेबल वेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपको कमर में जो है ये इलास्टिक मिल जाता है, ताकि आप जो है अपने बच्चे की कमर के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और सिंपल है कुछ, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा डिज़ाइन दिया गया है, ये देखिए। और बाकी नीचे से थोड़ा सा ये ऐसा पैटर्न दिया गया है, आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, बट अच्छा लगता है ऐसा। तो ये है, सिंपल सी है। और अभी तक मतलब 1 वीक हो चुका है, अभी तक मैंने जो है ये ट्राई भी नहीं किया, मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ। तो जो इसका MRP है वो है 499, मतलब 500 रुपीज़। मुझे जो है वो डिस्काउंट पे मिली है, तो मुझे ये अराउंड 350 और समथिंग का मुझे परचेज़ किया मैंने ये। और मैक्स के जो कपड़े रहते हैं वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे रहते हैं और प्राइस वाइज भी अच्छे रहते हैं, मतलब रीज़नेबल प्राइस रहते हैं। तो वहाँ से आप जो है, अगर आप रीज़नेबल और अच्छे कपड़े देखना चाहते हो तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट परचेज। तो अब चलते हैं सेकेंड परचेज पे। तो सेकेंड परचेज है ये, तो ये जो जीन्स है ये मैंने लिया है, ये विशाल से मैंने लिया है। विशाल जो मेगा मार्ट रहता है वहाँ आपको जो है क्रॉकरी वगैरह भी काफ़ी मिल जाते हैं, तो हमने जो है थोड़ा बहुत ऐसा किचन का सामान भी लिया। और मुझे ये जीन्स अच्छी लगी तो मैंने ये भी परचेस कर ली। तो काफ़ी अच्छी है, ब्लैक में है और यहाँ पर जो है हल्का सा जो है वाइट टोन है, ये देखिए। मैं भी जो है वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाता है यहाँ पर, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी वेस्ट। और साइज़ जो है वो 6 to 8 है, ये इनका अपना ही ब्रांड है विशाल मेगामार्ट का। बाकी कलर जो है ब्लैक और फेडेड में है, तो ब्लैक कलर की है और यहाँ पे जो है हल्का सा जो है फेडेड है। यहाँ पे जो है हल्का सा आपको ऐसा दिया गया है डिज़ाइन रहता है ना, रग कहता है आई थिंक, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, आप जिसको पता है वो कमेंट में लिख देना। बट यहाँ पे जो रहता है ना ऐसा खुरदुरा सा किया हुआ है, तो वो ये है यहाँ पे। और नीचे लिखा है कूल टूट, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो एक ब्लू में हो जाएगी तो एक ब्लैक में हो जाएगी। तो ये हमने ब्लैक ली है, जो ये मैंने पहले, ये सबसे पहले शॉपिंग मैंने यही की थी, इसके बाद जो है मैंने ये ब्लू वाली की। तो एक ब्लैक एक ब्लू, साइज़ दोनों का सेम है, लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है। और इसका प्राइस है, इसका प्राइस भी, ये भी 500 की है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो ये जीन्स है इस पर जो है हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ये 500 की ही हमें मिली है हमारी सेकंड परचेज़। तो बच्चों की शॉपिंग थी, हमने अपने लिए जो है कुछ भी नहीं लिया, बच्चों के लिए जो है वो शॉपिंग की। और इसके बाद आता है, वो है एक जैकेट जो कि ऑलिव ग्रीन में है, ऑलिव ग्रीन कलर में, एक मिनट। बैक एंड फ्रंट, तो दरअसल अब तो जो है सर्दियां चली गई हैं, लगभग ऑलमोस्ट चली ही गई हैं, तो सोचेंगे आजकल जैकेट की क्या ज़रूरत है, अब तो जो है गर्मियां आने वाली हैं। तो दरअसल एक हफ्ते पहले तक जो है वो जो वेदर है वो काफ़ी मतलब ठंडा था, कभी भी बारिश हो जाती थी तो मतलब ठंड सी लगती थी। और क्योंकि हम जो है मुंबई से यहाँ आए हैं, तो इसलिए जो इनके पहले के सर्दियों के कपड़े थे वो तो ऑलमोस्ट जो है वो छोटे हो गए थे। तो फिर मुझे कुछ परचेज़ करना ही था, ताकि अगर बाई चांस कहीं जाना पड़े तो ऐसा ना हो क्या पहने क्या पहने, तो इसलिए जो है मैंने ये लिया। और जब से जैकेट लिया है उस दिन से वेदर इतना अच्छा हो गया, मतलब ठंडा जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो गया है।
एक हफ्ते में सिर्फ, तो ये अब मुझे नहीं लगता इस साल काम आएगा, ये अगले ही साल काम आएगा, इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा ओवरसाइज लिया है ताकि जो है अगले साल भी जो है मतलब काम आ सके, क्योंकि बच्चे जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं इसके बारे में। तो ये है ऑलिव ग्रीन कलर का और यहाँ पे जो है आपको ऐसी स्ट्राइप्स दी हुई हैं, डिज़ाइन दिया हुआ है, बैक कुछ ऐसा है और फ्रंट में जो है आपको जिप मिलेगी और साथ ही जो है हुडी भी है। और जो एज ग्रुप है वो है 15 टू 16 इयर्स। ब्रांड है वो है एलन सोली, तो एलन सोली से जो है मैंने ये जैकेट परचेज़ किया है। और आजकल जो है आपको क्योंकि जो है विंटर्स जो है वो जाने वाले हैं, तो काफ़ी सारा जो है वो डिस्काउंट में मिल जाता है हर ब्रांड में। मतलब हम मॉल में जो जो भी हमने शोरूम देखे सब जगह जो है वो डिस्काउंट थे, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं अप टू 50%। तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जो है डिस्काउंट में लेना है। अभी इसका जो MRP है वो है 2600। MRP जो है वो 2600 है, बट जो है हमें ये 50% ऑफ पे मिली है, तो आप 2600 का आधा कर लो 1300, तो ये जैकेट जो है वो 1300 का हमें पड़ा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे वहाँ, मतलब आप छोटे से लेके छोटे बच्चे जो 1-2 साल के रहते हैं वहाँ से काफ़ी बड़े बच्चों के एज तक देख सकते हो। और काफ़ी अच्छे अच्छे जो है वो टी शर्ट्स भी थी, जो वॉर्म टी शर्ट रहती हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी थी, बट मुझे जो है साइज़ नहीं मिला, तो इसलिए जो है मैंने परचेज नहीं किया। तो मुझे यही समझ में आया, तो इसलिए जो है हमने एक यही ख़रीदा। तो अगली परचेज है हमारा एक ब्लैक कलर का स्वेट शर्ट, तो ये है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दूसरे फैब्रिक से जो है डिटेलिंग दी हुई है और साथ में एक जिप दी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ पे कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो है ब्रांड नेम है, तो ये मोंटे कार्लो का है और हमने जो ये लिया है ये रिलायंस ट्रेंड से लिया है, किड्स सेक्शन से। यहाँ पे भी स्लीव्स में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिल जाता है कुछ लिखा हुआ, लिमिटेड एडिशन। और तो इधर भी जो है कुछ नंबर वगैरह कुछ लिखे हुए हैं। बाकी जो है एकदम सिंपल है, ब्लैक है, तो साथ में आपको जो है एक हुड मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है सर्दियों में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ तो जो है वो जम के पड़ती ही हैं, भले ही 1 या 1.5 महीने पड़े पर काफ़ी जम के पड़ती है। और मुझे लगता नहीं है इस बार, मतलब आजकल ये काम आएंगी, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी गर्मी होने लग गई है और मुझे लगता है 10-15 दिन में जो है होली तक जो है वेदर और अच्छा, मतलब और गर्म हो जाएगा, अच्छा तो क्या और गर्म हो जाएगा। तो बस ये है, वो फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। साइड में आपको जो है वो 2 पॉकेट्स मिल जाते हैं। और जो साइज़ है इसमें एज वाइज नहीं है, इसमें नंबर हैं, तो हमने जो है मैंने तो जो है वो उसको पहना के देखा था, तो 34 साइज़ मैंने जो है वो लिया है। और जो इसका MRP है वो है 1700, तो 30% ऑफ पे जो है ये मुझे मिला है, तो ये अराउंड मुझे 1200 का मिला है। तो ये था हमारा जो है 4th परचेज। हमारी जो शॉपिंग थी वो सारी जो है बच्चों के लिए थी, और थोड़ा बहुत जो है किचन का सामान लिया था, जैसे ट्रे वगैरह, कप्स, ट्रे, तो मैं दिखाऊंगी नहीं, तो जो है वो किचन में गया है। लास्ट परचेज है ये, तो ये है एक मैट, तो ये मल्टीपर्पज़ मैट है, आप इसको जो है फ्रिज के अंदर यूज़ कर सकते हो, आप इसको जो है किचन शेल्फ में यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी आप शेल्फ में इसको यूज़ कर सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ है। तो क्वालिटी जो है क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, ये देखिए दिख रहा है, इस साइड से जो है हल्का सा रफ है और इस साइड से जो है एकदम स्मूथ है, तो ये उल्टा साइड है, यहाँ से आप इसको बिछाएंगे और यहाँ से जो है आपको जो रखना होगा, चाहे आप इस पर बर्तन रखें या कपड़े रखें या फिर आप इसको फ्रिज में बिछाएं, तो इसलिए एंटी स्किड है, इसलिए जो है इन्होंने ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है। मैट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ड्यूरेबल है, ये देखिए काफ़ी ड्यूरेबल है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, मतलब 2 मीटर भी आई थिंक ये पूरा नहीं है, तो मुझे जो है फ्रिज के लिए चाहिए था, तो मुझे नहीं पता ये फ्रिज के लिए भी जो है वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं अभी जो है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया अभी तक, 1 वीक हो गया, मैंने सोचा पहले वीडियो बना दूँ तो उसके बाद जो है मैं इसको कट कर लूँ। तो ये है पूरा मैट, तो क्योंकि इसका मतलब थिकनेस काफ़ी है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लगता है, ऐसे में आपको देखने पे लगेगा पता नहीं कितना लंबा है, पर जब आप इसको ओपन करोगे तो ये मतलब बहुत छोटा है। ट्राई करूँगी कि कम से कम फ्रीज तो कवर हो ही जाए इससे, तो देखते हैं। तो ये था हमारा लास्ट परचेज़, जो हमारा संडे था वो ऐसे ही बीता, थोड़ा बहुत जो है हमने शॉपिंग की और जो है बच्चों ने ढेर सारी मस्ती की।
तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा ऑफलाइन हॉल। आई होप कि आपको जो है अच्छा लगा होगा, और जो अगर आपको कुछ इनमें से पसंद आता है या आपको भी परचेस करना है तो आप जो है अपने आसपास के जो है मॉल्स में चेकआउट कर सकते हो। आजकल आपको जो है विंटर कलेक्शन पे काफ़ी सारा जो है आपको ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि जो है विंटर्स जाने वाली हैं। बट अगर आपको जैसे कहीं जाना है ठंडे इलाके में, तो वहाँ तो अभी काफ़ी ठंडी है, तो आप देख सकते हो, परचेस कर सकते हो अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हो अभी। तो गाइज आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए जो वीडियो है हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब जो है मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे।